साल 2024 उत्तर प्रदेश के नाम होगा। इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आठ बड़ी वजह है। और ये आठ वो वजह है जिनसे यूपी की तस्वीर धरती से लेकर आसमान तक बदल जाएगी। वैसे तो यूपी का नाम आते ही एक सौगात आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में है। खैर, बात करते हैं इन परियोजनाओं की जिनके चलते यूपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेट्रो का हब बनने जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं बदलते उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर, जो आपको चौंका कर रख देगी। यूपी के लिए सबसे बड़ी सौगात है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसकी शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी और 2024 में यह एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार हो जाएगा। करीब 7200 एकड़ बने इस एयरपोर्ट को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सहयोग से बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में पहले दो हवाई पट्टियों को शुरू किया जाएगा, फिर इसे बढ़ाकर 6 हवाई पट्टी तक पहुंचाया जाएगा। यूपी की बड़ी परियोजनाओं में दूसरे नंबर पर है आगरा की मेट्रो परियोजना। फरवरी 2024 में शुरू होने से ताजमहल देखने जाने वालों को ना तो ट्रैफिक में फंसना होगा और ना ही शहर में घूमने के लिए महंगी टैक्सी करनी पड़ेगी। मेट्रो परियोजना के तहत आगरा में करीब 30 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिस पर 29 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी की तीसरी बड़ी परियोजना साबित होगी। करीब 92 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से चार बड़े जिलों को फायदा होगा। इनमें आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। इसका 92% काम पूरा हो चुका है और इसके फरवरी मार्च 2024 में शुरू किए जाने की संभावना है। इसकी कुल लागत करीब 5877 करोड़ रुपए है। लखनऊ को भारी वाहनों के ट्रैफिक से बचाने के लिए सरकार आउटर रिंग रोड किसान पथ बना रही है। ये प्रोजेक्ट 104 किलोमीटर लंबा है, जिसका 65 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और इसके 2024 में शुरू किए जाने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत करीब 5500 करोड़ रुपए है। इसके शुरू होने से लखनऊ के आसपास के करीब 104 गांवों को फायदा होगा। लखनऊ से कानपुर जाने वालों को लंबे जाम और ट्रैफिक से इस साल छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार करीब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू कर चुकी है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ को कानपुर के आजाद चौराहे के साथ गंगा ब्रिज से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच ट्रेवल टाइम घटकर आधा रह जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के जून 2024 तक शुरू होने का अनुमान है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली नोएडा से प्रयागराज तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों शहरों के बीच लगने वाला समय अभी के 12 घंटे से घटकर महज 6 घंटे का रह जाएगा। यूपी के मौजूदा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है। इस टर्मिनल को भी 2024 में शुरू किए जाने की तैयारी है। अभी इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल हैं और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से फ्लाइट आती हैं। टर्मिनल 3 बनने के बाद इसका भी विस्तार हो सकेगा। यूपी वालों को अयोध्या और काशी विश्वनाथ की सौगात के बाद अब मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल मंदिर परिसर का तोहफा मिलेगा। योगी सरकार यहां विंध्य कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिससे मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 रास्ते खोले जाएंगे। करीब 331 करोड़ रुपए खर्च करके इस कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जो 2024 के मध्य तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।